सो गाइज दिस इज कमिल एंड यूर वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई एंड्रॉयड के अंदर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहले आपको बिनाइम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। सो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, तो आप डाउनलोड कर लेना। तो बिनाइम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इसका जो यूज़र इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, सो आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ सैंपल मिलता है, आप इनको देख सकते हो, आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक वीडियो एडिट किया था, मैं आपको उस प्रोजेक्ट को दिखाया था। सो मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर सिंपली क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। सो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड ये आप देख सकते हो हमारा वीडियो जो है प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो। और आप यूट्यूब के लिए ट्यूटोरियल बना सकते हो या कोई एजुकेशन टाइप का वीडियो बना सकते हो। जिस तरीके का कंटेंट आप बनाना चाहते हो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के साथ, तो आप काफ़ी इजीली बना सकते हो, ठीक है। और काफ़ी आसानी से आप जो स्टोरी टेलिंग वीडियो भी बना सकते हो इस ऐप की मदद से। सो ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर काफ़ी एक प्रोफेशनल लेवल का व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो एडिटिंग किया। तो मैं जस्ट आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ कि आप इस तरीके से एडिटिंग कर सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो लेयर पर मैंने कुछ यहाँ पर जो चीज़ें ऐड किया, जो भी चीज़ ऐड करना है उन सब चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड किया। जस्ट डेमो के लिए इस वीडियो को मैंने एडिट किया आपको दिखाने के लिए। अभी आ जाते हैं सिंपली बैक। सो इसे कर देते नो। ओके, तो आपको एडिट करने के लिए सिंपली प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना मूवी का नाम सबसे पहले दे देंगे, नेम योर मूवी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो जैसे कि मैं लिखता हूँ यूट्यूब, यूट्यूब लिखने के बाद आप यहां से रेजोल्यूशन चूज़ कर सकते हो कि आप कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैं यूट्यूब को सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक जो एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये आप कैनवास भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। सो उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर टाइम लिंक मिलता है, प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर लेयर ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल हम लेयर को डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मिलता है स्टिकर, तो स्टिकर से आप जो यहाँ से सब चीज़ ऐड कर सकते हो। ये आप देख सकते हो अनप्लेस से आप कोई भी फोटो ऐड कर सकते हो। सो उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद मिलता है ड्राइंग, पीपल, स्कूल, इसके अलावा बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक, किचन, फर्नीचर, शेप्स, उसके बाद लोटी आर्ट। तो यहाँ पर आपको सारा एनिमेशन इफेक्ट सब कुछ मिल जाएगा, कैरेक्टर वगैरह, तो आप यहाँ से इन सब चीज़ ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से चलो सबसे पहले मैं कुछ ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इस लैपटॉप को ऐड करता हूँ, तो लैपटॉप हमारा आ चुका है। अभी आप इसका जो साइज़ उसको बढ़ा या छोटा कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ से आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। उसके बाद सिंपली कर देना डन एंड इसका पोजीशन आप कहाँ रखना चाहते हो। सो इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद कर देना है डन। सो अभी इसको प्ले करके देखने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। सो आप देख सकते हो लैपटॉप हमारा आ चुका है। ओके, अभी लैपटॉप के साथ हम इस पर और भी चीज़ ऐड करेंगे। तो आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो, इस बैकग्राउंड का आप कलर चेंज करना चाहते हो, वाइट से आप किसी दूसरा कलर बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हो। ये आप देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है, लेकिन मैं इसको वाइट रखूँगा। सो ये वाइट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके। तो मैं कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ हाउ टू यूज़। उसके बाद इसको कर देना इंसर्ट एंड इसको आप यहाँ पर ले आ सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप जो हिंदी फ़ॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हो, ये आप देख सकते हो हिंदी फ़ॉन्ट मिलता है। इसके अलावा और भी लैंग्वेज का फ़ॉन्ट मिलता है एंड यहाँ से आप जो है इसका कलर चेंज कर सकते हो फ़ॉन्ट का। तो इसको मैं काट देता हूँ डन। सो ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है हाउ टू यूज़। उसके बाद यहाँ से हम अपना दूसरा टेक्स्ट ऐड करेंगे, अगेन टेक्स्ट की ऊपर क्लिक करना है हाउ टू यूज़ लैपटॉप इन हिंदी। सो इन हिंदी ये आप देख सकते हो। उसके बाद इंसर्ट करना है, तो ये हमारा दूसरा टेक्स्ट आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना दूसरा टेक्स्ट ऐड करूँगा, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप दैट्स इट। इसको इंसर्ट कर देना है, तो ये आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट भी आ चुका है और हमारा लैपटॉप साथ में आ चुका है। इसको कर देते हैं डन। अभी इसको आपको प्ले करके दिखाया था, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका वीडियो रेडी हो रहा है धीरे धीरे। सो मैं जस्ट आपको डेमो के लिए लैपटॉप ऐड करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसी जगह पर अपनी गैलरी से भी कोई पिक्चर आप ऐड कर सकते हो अगर आप ऐड करना चाहते हो। सो इसको सिंपली कर देना है डन। अभी हमें अपना दूसरा लेयर क्रिएट करना है, तो प्लस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से हमें दूसरा लेयर सिलेक्ट करना है। तो ये आप देख सकते हो ये हमारा सेकंड लेयर।
अभी इसमें मान के चलो आप अपनी गैलरी से कुछ ऐड करना चाहते हो, इसके लिए आप यहाँ से जो हैंड को चूज़ कर सकते हो, किस तरीके के हैंड रखना चाहते हो। सो मैं यहाँ से इस हैंड को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टिकर के ऊपर क्लिक करना है एंड ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करके आप अपनी गैलरी से कोई भी इमेज ऐड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ से ऐड करके दिखाता हूँ, सो मैं इसको ऐड करता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। सो इसको क्रॉप करना है, उसके बाद ये आ चुका। अभी आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हो। सो छोटा करके मैं इसको इस साइड पे रखूँगा, उसके बाद इसको कर दूँगा डन। एंड अगेन आप यहाँ से इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, ठीक है, कि कितने सेकंड का एनिमेशन आना चाहिए इसके अंदर, उसके बाद कर देना है डन। सो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सबसे पहले प्ले करके दिखाए तो ये आप देख सकते हो जो इमेज हमने ऐड किया उसके अंदर भी एनिमेशन आ चुका है। अभी आप इसमें कुछ और चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर कोई लोगो वगैरह ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ ऐड करूँ। सो मैं जैसे कि इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और इसका जो साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको इस साइड पर रख देता हूँ। इसको कर देना है डन। सो अभी इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ से मैं ये आप देख सकते हो, यह हमारी फ़ोटो पर एनिमेशन और ये हमारे कैरेक्टर पर एनिमेशन आ चुका है। सो आप चाहो तो इस लेयर के अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, तो यहाँ से हम इसके अंदर और कुछ ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अपना तीसरा लेयर ऐड करते और यहाँ से जो है मैं कुछ चीज़ ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ से प्लेन वगैरह ऐड कर सकते हो। सो मैं इसको ऐड करता हूँ और इसका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ एंड इसको इस साइड पर रख लेता हूँ। इसको कर देना है डन। सो अगेन इसके अंदर भी एनिमेशन आ जाएगा, तो मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ से कट करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो। सो यहाँ पर आप और भी चीज़ ऐड कर सकते हो, लाइक आप यहाँ से सोशल मीडिया का भी कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए आप जब बोल रहे हैं सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब का बटन ऐड कर सकते हो, जब आप बोल रहे लाइक करो तो लाइक का बटन ऐड कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। सो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते एंड इसको यहाँ पर सेट कर लेते, इसको कर देना है डन। सो अभी प्ले करके दिखाता हूँ, जब देख सकते हो लाइक का बटन किस इस तरीके से लाइक के अंदर एनिमेशन आएगा। उसके बाद अभी यहाँ से आप जो है टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको एक लेयर के अंदर टेक्स्ट एडिट करके दिखाता हूँ, टेक्स्ट पर एनिमेशन डाल के ओनली टेक्स्ट पर। सो टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाउ टू एडिट वीडियो, उसके बाद इंसर्ट कर देना है, ये आ चुका है। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चाहो तो चेंज कर सकते हो। सो फिलहाल मैं कोई फ़ॉन्ट चेंज नहीं करूँगा, इसका ड्यूरेशन मैं इतना रखूँगा, इसको कर दूँगा डन। सो अभी इसको प्ले करके दिखाता हूँ, बिल्कुल एंड में आ जाना है, ये आप देख सकते हो। टेक्स्ट का वीडियो भी आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। अभी अगर आप इसमें कोई म्यूज़िक वगैरह डालना चाहते हो तो आप ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी म्यूज़िक के ऊपर, और यहाँ से आप चाहो तो लाइव वॉइस ओवर कर सकते हो अपने वीडियो को, यहाँ से प्ले करके इसके ऊपर क्लिक करके, और म्यूज़िक ऐड करना चाहते हो तो म्यूज़िक ट्रैक के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से म्यूज़िक ऐड कर लेना। सो ऑडियो चूज़ करेंगे एंड कौन से फोल्डर के अंदर आपकी म्यूज़िक रखा हुआ है, म्यूज़िक ऐड कर सकते हो इस तरीके से। ये आप देख सकते हो म्यूज़िक आ चुका है, म्यूज़िक का वॉल्यूम आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो, और यहाँ से आप जो है लाइव वॉइस ओवर कर सकते हो अपनी वीडियो को प्ले करके, ठीक है। सो ये म्यूज़िक भी आ चुका है। सो आपको सिंपली शेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी मूवी का नाम अगेन दे देंगे, तो मैं यूट्यूब लिख लेता हूँ, मेक मूवी के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो रेंडरिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिकली आप कुछ इस तरीके से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो एडिटिंग कर सकते हो एंड्रॉयड के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।